क्या पावर है गाड़ी के अंदर यार, मतलब खुद देखो यार, 60, 70, 80 इसमें काम करना पड़ेगा टाटा को, बहुत ही ज्यादा हार्ड क्लच है, थोड़ा स्टेयरिंग में भी काम करना पड़ेगा। अच्छा ही क्या पता है इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है, सेफ्टी 5 स्टार है, ग्राउंड क्लीयरेंस 209 है, बूट स्पेस 350 यार बहुत ही ज्यादा। ऐसा जो मुझे लगता है ना कि हेड रूम जो गाड़ी की जो शेप है इस तरह से डाउन होती है, तो थोड़ा सा हेड रूम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चला के डालते हैं यहाँ पे, भाई साहब कितना मक्खन की तरह लग गया, ये कितना स्मूथ है। थोड़ा सा लेग रूम में मुझे कॉम्प्रोमाइज लग रहा है, बहुत बड़े नाम है यार, मतलब बिग डैडी स्कॉर्पियो एन को इसने ग्राउंड क्लीयरेंस में बीट कर। फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाए। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। तो लेके आऊं आप सबके लिए एक और टाटा नेक्सॉन 2021 मॉडल है। मेरे सामने जो खड़ी है ये XM S मॉडल है। अगर आप बात करी जाए प्राइस की, बात करी जाए कि ऑन रोड प्राइस का 2021 में इसका कितना था, वो 10 लाख के आसपास था, अब तो यार 10.5 लाख के आसपास ये मिलती है। बात करेंगे माइलेज की, बात करेंगे कि खर्चा कितना हो गया इसके अंदर, काफी सारी डिटेल लेंगे कि यार इसके मतलब कि यार 2 साल में गाड़ी जब चल गई है कितना किलोमीटर चल चुकी है, उस हिसाब से गाड़ी ने परफॉर्मेंस कैसी करी है। बाकी डिटेलिंग भी देंगे कि गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में बताएंगे, बूट स्पेस के बारे में बताएंगे, कैबिन में बैठ के बताएंगे कि अच्छी खासी स्पेस इसमें मिलता है नहीं मिलता है। अपने सेगमेंट में सबसे चौड़ी कार है, पहले मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा विड्थ है इसकी। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अपने टाटा नेक्सॉन के इंजन के बारे में कि यार कितना इसमें इंजन आपको मिलता है। मतलब ये 1.2 लीटर का इसमें इंजन मिलता है, पेट्रोल इंजन है ये। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या लगता है इसके अंदर, सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, इसके अंदर 6 गियर स्पीड बॉक्स मिलता है, इसके अंदर 6 गियर मिलते हैं। भाई इस सेगमेंट में मुझे तो लगता नहीं कोई कार 6 गियर देती होगी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर कि यार इसका जो पावर है ना बहुत ही ज्यादा है, 118 BHP और 170 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिलता है यार, कुछ ज्यादा ही इसमें पावर आपको मिलती है। यहीं पे अगर डीजल की बात करेंगे तो मतलब 200 Nm से ज्यादा उसमें टॉर्क हो जाता है। तो इंजन यार मेरे को अच्छा लगता है, 1.2 लीटर। थोड़ा मुझे पता क्या खलता है इसके अंदर यार, 3 सिलेंडर इंजन देते हैं बस, ये 4 सिलेंडर इंजन देंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यार ये तो थी इसके इंजन के बारे में बात। बात करी जाए इसकी माइलेज को लेके, मैंने ओनर साहब से पता करा था कि कैसे उनकी रनिंग है क्या है, तो ज़्यादा गाड़ी चलती है नहीं, 2 साल या 2 साल प्लस में ये 21,000 किलोमीटर चली है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। माइलेज की बात करी जाए तो 12-13 सिटी में मिलता है, और यहीं पे हाईवे की बात करी जाए तो 17+ का माइलेज मिलता है, जो कंपनी क्लेम करती है वही इसमें आपको मिलता है। तो बात करी जाए सर्विस को लेकर कि इसकी गाड़ी की कितनी सर्विस हो चुकी है, तो यार 4th सर्विस इसकी हो चुकी है, 3 फ्री सर्विस हो चुकी है और 1 पेड सर्विस हो चुकी है। ज़्यादा खर्चा नहीं आया था, मैंने ओनर साहब से पूछा था, मतलब 10,000 के आसपास इसमें पेड सर्विस में खर्चा आया था। वही सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ऑयल फिल्टर या फिर आपका एयर फिल्टर, ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, इंजन ऑयल, ये सारी चीज़ें बदली थी, मोटा कोई खर्चा इसके अंदर नहीं आया था। तो बात करते हैं टाटा नेक्सॉन के हेडलैम्प की, सबसे अच्छा फीचर बताऊँ, फॉलो मी हेडलैम्प है, DRL भी मिलता है और LED के साथ मिलता है। वैसे LED इसमें आती नहीं है, हेलोजन आते हैं, इसमें हमने LED इंस्टॉल करा रखी है। साथ के साथ बात करिए यहाँ पे, मुझे अगर बात करूँ यहाँ पे फॉग लैम्प की, तो HID इसमें लगी हुई है। भाई HID का ना मजा अलग ही, अभी अंदर बैठ के चला के दिखाऊंगा, क्या जबरदस्त है। वैसे हेडलैम्प भी इसकी बहुत प्यारी है, फ्रंट लुक ही मुझे टाटा नेक्सॉन का बहुत जबरदस्त लगता है, काफी उठी हुई गाड़ी लगती है ये। तो ये है इसका फ्रंट लुक, ये है इसकी हेडलैम्प, दोनों ही LED आती है, DRL के साथ है, पहले बता देता हूँ। फॉग लैम्प यहाँ पे ऑन हो चुकी है, थोड़ा ना भी लाइट है यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर पूरा अंधेरा होता ना भाई साहब बहुत दूर जाती है HID, समझते हो ना, बहुत ही ज्यादा। अगर इधर से दिखाऊं ना मैं आपको, देखो इधर आओ एक बार, कैमरा मैं अपने पास आता हूँ और एक मेरे भाई है यहाँ पे खड़े हैं, उनके देखो लाइट में भी अगर ध्यान से देखेंगे ना, उनकी जीन्स पे देखना कितनी ज्यादा लाइट पड़ रही है, मतलब देख रहे हो यार, एक बार देखो मैं बंद करता हूँ, ये देखो बंद हो गई, अब ऑन करते हैं, ओ भाई साहब देख रहे हो भाई, जबरदस्त है भाई जबरदस्त। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अपने टायर साइज को लेके, जो इसका टायर साइज है वो आपका इसमें 16 इंच का इसमें आपको टायर मिलता है और 195 Nm की इसमें आपको थिकनेस मिलती है। साथ ही में अगर बात करी जाए इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई साहब 209 Mm का बहुत ही ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलता है, बहुत सारी गाड़ी को बीट कर इसने ग्राउंड क्लियरेंस में। बताऊं सबसे पहला नाम बहुत ज्यादा जो आजकल चर्चा में है ना, कौन सा नाम है, वो है आपकी ब्रेजा 2022, उसका 200 Nm का ग्राउंड क्लियरेंस है, इसका 209 Mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत बड़े नाम है यार, मतलब बिग डैडी स्कॉर्पियो एन को इसने ग्राउंड क्लियरेंस में बीट कर दिया, क्रेटा को बीट कर दिया है, और बताऊं किस चीज को बीट करा है इसने, सेल्टॉस है, सोनेट है और ब्रेजा है, बिग डैडी स्कॉर्पियो है, पता नहीं कितने नाम है यार, 209 Mm का बहुत ही बड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस इसमें आपको मिलता है। चलो चलते हैं कार के कैबिन के अंदर और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको चाबी, अंदर जाने से पहले एक बार चाबी भी दिखानी जरूरी है, इस तरह की की मिलती है मुझे टाटा नेक्सॉन ना, मतलब टाटा की बात करी जाए तो चाबी अच्छी देते हैं, मतलब नॉर्मल सी की नहीं देते, मारुति की तरह जो नॉर्मल सी की देते हैं, मतलब ऑल्टो में लो, वैगनार में लो, ब्रेजा में लो, सब में सेम ही की मिलती है।
इस तरह से फ्लिप करके खुल जाती है। तीन तरह के इसमें ऑप्शन मिलते हैं आपको, मतलब आपको लॉक, अनलॉक और यहाँ पे हेडलैम्प का भी ऑप्शन मिलता है अगर आपको स्टार्ट करनी है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ से मैंने इसको अनलॉक किया और इस तरह का इसमें आपको इंटीरियर मिलता है, इस तरह का इसमें आपको कैबिन मिलता है। अच्छा, सबसे पहले जो मुझे एक चीज लगी ना, गेट खोलते ही भाई गेट बहुत भारी है यार, सच में बहुत भारी गेट है। मतलब दिखता है कि हाँ यार मजबूती ऐसे बोलने से नहीं होती है, मजबूती दिखती है गाड़ी के अंदर। 5-स्टार रेटेड कार है, आपको पता ही होगा ग्लोबल एनकैप के अंदर 5-स्टार रेटिंग लेके आई, इंडिया की सेफेस्ट कार के अंदर इसका नाम है। पहली कार इंडिया की यही थी 5-स्टार लेके आने वाली। तो बात करते हैं इसमें जो आपको गेट में जो कंट्रोल मिलते हैं, ड्राइवर गेट होता है, सारे ही पावर विंडो इसमें आपको मिलते हैं, ये लॉक अनलॉक यहाँ पे भी मिलता है। और बात करें यहाँ पे ओआरवीएम को लेके, तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दोनों ही फीचर इसमें साथ में आते हैं। चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कि इसमें आपको स्पेस कैसा मिलता है। थोड़ा सा मैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। देखो यार, जो सबसे लोगों को सबसे ज्यादा डाउट होता है ना नेक्सॉन के अंदर, के यार स्पेस की मुझे कमी लगती है। 6 फुट का मैं हूँ, आपको पता ही है मैं 6 फुट का हूँ, उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो मैं बहुत ईजिली इसके अंदर फिट आ गया हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी है। थोड़ा सा जो मुझे लगता है ना कि हेड रूम, जो गाड़ी की जो शेप है इस तरह से डाउन होती है, तो थोड़ा सा हेड रूम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 6 फुट का हूँ शायद इसलिए हो रहा हूँ, थोड़ा मतलब 5'8" 5'9" करेंगे तो नहीं होगा उनके लिए। मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ यार हेड रूम में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो बात कर जाए स्टेयरिंग व्हील को लेके, तो सबसे पहले जो मुझे दूर से ही दिखता है यहाँ पे स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल मिलते हैं, वॉइस असिस्टेंट मिलता है, कॉल रिसीविंग और कॉल कट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अच्छा, एक चीज जो मुझे इसमें लगती है कि इसमें मुझे चेक करना है कि इसके अंदर क्या टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों फंक्शन आते हैं। तो देखो भाई, टेलीस्कोपिक तो नहीं है ये, क्योंकि मैं इसको खींच रहा हूँ अपनी तरफ तो नहीं आ रहा, लेकिन ये टिल्ट है। अगर आप ध्यान से देखें ना, टिल्ट तो हो रहा है। तो जो ये मॉडल है XMS, इसमें टिल्ट ही आता है। ऊपर वाले मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक भी मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ पे अपने AC कंट्रोल की तरफ। तो ये आपको मैनुअल AC मिलता है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है और टच स्क्रीन भी इसमें आपको नहीं मिलती है। लेकिन इसके अंदर आपको क्या मिलता है, 4 स्पीकर मिलते हैं जो हरमन के आते हैं। भाई बहुत बड़ी बात है, हरमन के स्पीकर बहुत ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग होती है, उनकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ना टाटा नेक्सॉन के अंदर, भाई साहब ये देखो यहाँ पे 6 गियर दिखा रहे हैं, मतलब 6 गियर का स्पीड बॉक्स है इसका। भाई मजा आ जाता है जब इतने ज्यादा गियर आपको मिलते हैं, 5 ही मिलते हैं, बहुत सारी कार में 6 गियर बहुत जरूरत होती है जब थोड़ा सा आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, माइलेज भी ज्यादा अच्छी निकलती है। बात करी जाए जो सबसे अच्छी चीज मुझे इसके अंदर लगती है, वो है इसके अंदर जो यार मोड्स आते हैं ना, ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। भाई साहब स्पोर्ट्स में चला के देख लेना, एकदम मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा भाई गाड़ी उड़ रही है। यहाँ पे आपको ये हैंड ब्रेक की पोजीशन मिलती है। और जो दूर से मुझे दिख रहा था ना गाड़ी के अंदर, भाई साहब यहाँ पे जो फंक्शन है, ओ भाई साहब ये है यहाँ पे सनरूफ। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सनरूफ का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। मैं इसको एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ, उससे पहले मुझे यहाँ पे की लगानी पड़ेगी अपनी। ये यहाँ पे मैंने अपनी की को लगा दिया, ऑन कर दिया, और यहाँ पे मैं इस बटन को अगर टच करूंगा बस, ये देखो यहाँ से सनरूफ पूरी तरह से ओपन हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि यार ओपन नहीं होती, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तभी ओपन होती है। देखो बंद करके भी दिखाऊंगा, 1 टच से बंद होगी। देखो किसी भी तरह का लैग नहीं है, किसी भी तरह का इसमें कोई टाइम डिले नहीं है, बहुत ही इजीली ये ओपन और क्लोज हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा फीचर है। लोग बोलते हैं कि भाई गाड़ी स्टार्ट होती है तभी इसकी सनरूफ आगे पीछे होती है। एक फीचर इसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है, टिल्ट वाला। देखो यहाँ पे मैंने प्रेस करता हूँ ये, अब यहाँ पे आप एयर वेंटिलेशन अच्छे से हो सकती है। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से हम, इसको ये बंद हो गया है। तो सनरूफ भी इसकी बहुत अच्छी है, इजिली फंक्शन हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर बात करें यहाँ पे डैशबोर्ड की, तो बहुत ही अच्छा इसमें मुझे डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे सॉफ्ट टच तो नहीं है बट अच्छा है, मटेरियल अच्छा यूज करा गया, ऐसा नहीं है कि बहुत लो क्वालिटी है। बात करी जाए यहाँ पे ग्लव बॉक्स को लेके, कि इसका ग्लव बॉक्स कितना है, कैसा है, तो ये इसका ग्लव बॉक्स है। भाई काफी अच्छा स्पेस है, मतलब यहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा ये डीप हो जाता है, काफी ज्यादा खुलता है ये। ब्रेजा की बात करूँ ना, इतना नहीं खुलता है वो। भाई बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका, देखो एकदम डीप, मतलब मेरा पूरा हाथ अंदर जा रहा है। बंद कर देते हैं ग्लव बॉक्स को। तो यार देखो ये तो है, बट एक चीज मैं बता दूं आपको, जो इसके अंदर जो मुझे लगा जो होनी चाहिए थी चीज, वो यार इसमें हाइट एडजस्टेबल का फीचर नहीं है। मतलब यार अगर आपकी हाइट थोड़ी सी 6 फुट से ज्यादा ना, 6'3" है, तो 100% आपका सर जो है वो क्या कहते हैं इसकी सीलिंग पे लगेगा, मतलब कि रूफ पे लगेगा। लेकिन यार ठीक है यार, अब ऑब्वियसली बात है कंपनी कहीं ना कहीं तो उसको कट करेगी, कहीं ना कहीं तो कमी डालेगी जिससे आप ऊपर वाला मॉडल खरीदें। तो चलो चलते हैं पीछे वाली सीट पे बैठ के देखते हैं कि कैसा इसमें आपको एक्सपीरियंस मिलता है। आगे अच्छा एक्सपीरियंस है, थोड़ा पीछे भी देखते हैं। अगर आगे 6 फुट का बंदा बैठा है तो पीछे 6 फुट के बंदे को बैठने में किस तरह की प्रॉब्लम होती है नहीं होती है। मैंने किसी भी तरह की सीट को एडजस्ट नहीं करा है। तो चलो गाड़ी से बाहर निकलते हैं। देखो इजिली आउट है, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर मुझे नहीं हो रही है। 6 फुट का मैं बंदा हूँ, उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम मुझे नहीं हो। चलो चलते हैं पीछे वाली सीट पे बैठ के देखते हैं कि अगर आगे 6 फुट का बंदा बैठा है तो पीछे 6 फुट के बंदे को बैठने में किस तरह की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले मैं बता दूं कि इजिली इन है, लेकिन थोड़ा सा लेग रूम में मुझे कॉम्प्रोमाइज लग रहा है।
हाँ देखो लेग रूम है, ऐसी बात नहीं है नहीं है, बट बिल्कुल फिट है यार। देखो आगे भी 6 फुट का बंदा है, पीछे भी 6 फुट का बंदा है। और एक चीज मुझे जो लगी इसके अंदर, सच बताऊंगा, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, आगे मुझे हेडरूम ज्यादा लग रहा था एज कंपेरिजन टू पीछे। मे बी शायद ये सनरूफ की वजह से थोड़ा सा हेडरूम में कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एक चीज जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगी पीछे वाली सीट के अंदर, भाई इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है ना वो काफी अच्छा है। इसी वजह से हो सकता है कि थोड़ा मुझे लेग रूम कम लगा, और अगर थोड़ा सा ऐसे कम होता अगर अंडर थाई सपोर्ट तो मुझे लेग रूम ज्यादा मिल जाता। ठीक है यार, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मैं इजीली इसमें बैठा हूँ, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हेड तो मेरा टच नहीं हो रहा है इसमें, ऐसा अगर कोई बोले कि हेड टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगी कि आगे भी 6 फुट का बंदा बैठा है, पीछे भी 6 फुट का बंदा बैठा है। थोड़ा सा कंजस्टेड है, बट इतना भी कोई कंजस्टेड नहीं है कि बैठ नहीं सकते हैं। तो चलो बात करते हैं टाटा नेक्सॉन के बूट स्पेस में, कितना इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। ऑन पेपर 350 लीटर का इसका बूट स्पेस है। यार एक चीज़ ना उसके अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जो फीचर है ना देना चाहिए कंपनी को, ये बीच वाला जो बटन है आपकी की के अंदर, इसको होल्ड करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ये मैंने इसको होल्ड कर दिया है थोड़ा सा टाइम, ये खुल गई डिग्गी, देखो अपने आप खुल चुकी है, मैंने प्रेस नहीं किया था। यहाँ से बस इसको मुझे इस तरह से उठाना है, देखो कितना इजी हो जाता है। 350 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिलता है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इसके अंदर कि आप बड़े बैग रख सकते हो, पार्सल ट्रेस में नहीं लगा रखे तो उसकी वजह से स्पेस काफ़ी ज़्यादा और हो गया है। अच्छा एक चीज़ मैं इसमें देखना चाहूँगा, बूट लैंप मुझे इसके अंदर मिलती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। XM मॉडल में भी, XMS मॉडल में भी बूट लैंप इसमें आपको मिलता है। अच्छा बात कर दें यहाँ पे इसके जो स्पेयर टायर मिलता है, जो स्पेयर व्हील मिलता है, वो कितने इंच का मिलता है अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर ध्यान से हम देखें तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, 16 इंच का और 195, मतलब सेम एज जो आपके कार के चारों टायर है ना, आपका जो स्पेयर व्हील है वो भी उतना ही मिलता है। तो यार ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छा खासा प्रैक्टिकल स्पेस है। थोड़ा सा ना देखो, अगर देखो हर चीज़ अगर अच्छी बोल देंगे तो फिर लोग बोलेंगे यार 22 है। देखो थोड़ी सी कमी क्या लगी मुझे बूट स्पेस के अंदर, थोड़ा ना डीप है। जब बड़े बैग इसके अंदर आप रखोगे ना तो उठा के बाहर रखने में ये थोड़ा सा अड़ेगा। सेल्टॉस की वीडियो बनाई थी, उसमें बिल्कुल लेवलिंग था, बिल्कुल लेवल था, सीधे रखो सीधे निकालो, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। देखो हर कार के अंदर कुछ ना कुछ फीचर होते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी कमी है ये बहुत छोटी सी है। हाँ कब दिक्कत होती है, जब बड़े बैग रख के निकालते ना तो उसमें आपको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना पड़ेगा, ऊपर उठा के निकालना और रखना पड़ेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो देखो जो कोई कंपनी नहीं देती, यहाँ पे हुक्स भी देती है टाटा नेक्सॉन, यहाँ पे आपको हुक्स देती है। अगर यहाँ पे वेट की बात करी जाए तो मे बी शायद 4 kg के ये हुक होंगे, इसमें आप अपना 4 kg की अगर कोई पैकेजिंग लाते हैं उसको टांग सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये भी मुझे अच्छा। चलो एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेते हैं टाटा नेक्सॉन का कि कैसा चलता है, आप सबको बता दूँगी टाटा नेक्सॉन में जो बोलते हैं ना कि पावर बहुत ज़्यादा है या फिर गाड़ी के अंदर इंजन का नॉइज है। तो देखो सबसे पहले सारे शीशे हमने ऊपर कर रखे हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं अपनी यहाँ से। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इस तरह से दिखता है, बहुत ही प्यारा लगता है, कलरफुल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। माइलेज इसमें मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे अगर मैं बात करी जाए तो 16 की, तो बात करते हैं यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। एक बार अपनी चाबी को ऑन करते हैं और इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत ही दमदार है यार। बात करी जाए इसमें माइलेज की, भाई साहब 16.5 का माइलेज दिखा रहा है। मैं बोल रहा था ना कि भाई माइलेज देती है, ऐसा नहीं है कि टाटा की कार है तो माइलेज नहीं देती है। अच्छा बात करें यहाँ पे इंजन नॉइस की, कितना इंजन नॉइस इसके अंदर आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि टाटा की गाड़ी आवाज करती है, एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यार ऐसा कोई नॉइस तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा बस एक फील होता है क्योंकि यार देखो दमदार गाड़ी है, पावर ज्यादा है तो वो तो आएगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। हाँ बात करी जाए वाइब्रेशन की, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से गुड वाइब्स को देखेंगे तो ये बहुत ही लिटिल शेक हो रहा है, हो सकता है कैमरे में ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन हाँ ठीक है, ऐसे कोई ज्यादा वाइब्रेशन नहीं है। तो चलते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एक बार ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेते हैं इसका। तो चलो करते हैं अपनी ड्राइविंग स्टार्ट, पहला गियर डालते हैं यहाँ पे। भाई साहब कितना मक्खन की तरह लग गया ये, कितना स्मूथ है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को, यहाँ पे मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ। ओके पहली चीज जो मुझे लगी है अभी तक गाड़ी चलाते हुए, थोड़ा सा नॉइस है, ऐसा नहीं है। और मैं शायद हो सकता है गलत हूं कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है क्लच हार्ड है, या तो मैटिंग ज्यादा कर रखी है ओनर साहब ने इसमें, बट मे बी शायद क्लच थोड़ा मुझे हार्ड लगा। अच्छा हार्ड ही है, हो सकता है हार्ड ही हो, मतलब मैं छोड़ रहा हूँ ना तो थोड़ा लैग से पीछे आ रहा है और थोड़ा सा दबाने में भी मुझे प्रेस करना पड़ रहा है। अच्छा बात करें यहाँ पे अभी मोड पे ना, हम ऑटो रोटेशन चेक कर लेंगे इसका, जो इसका ऑटो रोटेशन है किस तरह से काम करता है। तो यहीं से मैं कट कर लेता हूँ या देखते हैं ट्रैफिक है तो नहीं यहाँ पे, यहीं से कर लेते हैं, ट्रैफिक नहीं है। ब्रेकिंग भी देख लेते हैं, ब्रेकिंग भी अच्छी है इसकी। डालते हैं अपना दूसरा गियर यहाँ पे इसको और यहाँ से इसका ऑटो रोटेशन चेक करते हैं।
अच्छा जो लोग बोलते हैं ना कि यार ऑटो रोटेशन ठीक है नहीं है, ठीक है यार इतना कोई वैसा नहीं है, बट अगर बात करी जाए ना पावर की, तीसरे गियर में क्या पावर है गाड़ी के अंदर यार, मतलब खुद देखो यार 60-70-80 गाड़ी टच हो गई, 100 मीटर भी नहीं चली गाड़ी हमारी, 80 की स्पीड टच हो गई भाई, गाड़ी में दम है यार। लोग सच बोलते हैं भाई, पावर तो है इसके अंदर सच में एकदम। तो बात करें टाटा नेक्सॉन की ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, कैसा इसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। सबसे पहली बात करते हैं प्लस पॉइंट की, क्या क्या इसमें आपको प्लस पॉइंट मिलता है। देखो गियर बहुत ज्यादा स्मूथ है, मतलब गियर शिफ्टिंग में किसी भी तरह का लैग नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजीली वो गियर होता है ना कि इजीली फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड लग जाता है, रिवर्स गियर लगाना है तो ऊपर उठा के लग जाएगा, वो आपको पता है। हाँ देखो जो डिसएडवांटेज लगा मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस में थोड़ा सा, मतलब इतना बड़ा नहीं है बट थोड़ा सा है, क्लच थोड़ा सा ना स्लो चलता है, मतलब कि थोड़ा प्रेस करते हैं तो प्रेस तो हो जाता है लेकिन जब छोड़ते हैं ना तो थोड़ा सा स्लो छूटता है, थोड़ा सा लैग करता है। स्टेयरिंग भी थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्मूथ होना चाहिए। मारुति की गाड़ी के आगे थोड़ा सा स्टेयरिंग टाइट लगता है, मारुति का क्लच और स्टेयरिंग बहुत तगड़ा है, थोड़े से गियर मारुति के कभी कभी अटक जाते हैं लेकिन टाटा नेक्सॉन के गियर कभी नहीं अटकते हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस का जो व्यू है ना, जो व्यूइंग एंगल है वो भी बहुत अच्छा टाटा नेक्सॉन के अंदर, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे थोड़ा ब्लॉकेज हो रही है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, 6 फुट का हूँ तो ईजिली मैं आगे भी देख सकता था, बोनट भी मुझे अच्छे से दिख रहा था। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा था, तो भाई बहुत अच्छा था, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। छोटी कमियाँ हैं बताना जरूरी है ताकि कंपनी इन पर काम करे और इनको सुधारे। तो ये थी मेरी तरफ से ऊपर टाटा नेक्सॉन के ऊपर एक रिव्यू। यार गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, गाड़ी 5 स्टार रेटेड है, गाड़ी में दम बहुत है, मतलब किसी भी तरह का इसमें आपको जो कहते हैं वो गाड़ी फ्लैक्स आ जाता है, प्योर लोहा है भाई, फ्लैक्स कैसा आएगा, लोहा थोड़ी दबता है। अच्छा क्या चीज़ इसके अंदर कमियां हैं, यार देखो सबसे बड़ी बात थोड़ा सा ना क्लच में काम करना पड़ेगा टाटा को, बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्लच है, थोड़ा स्टेयरिंग में भी काम करना पड़ेगा, ऑटो रोटेशन भी थोड़ा सा इसका मुझे लगता है कि थोड़ा फास्ट होना चाहिए, उतना फास्ट है नहीं। अच्छा ही क्या पता है इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है, सेफ्टी 5 स्टार है, ग्राउंड क्लीयरेंस 209 है, बूट स्पेस 350, यार बहुत ही ज्यादा गाड़ी के अंदर कंफर्ट बहुत ज्यादा है, 6 फुट के बंदे आगे पीछे बैठ सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपके हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूं। और एक चीज फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए।